हेलो सहेलियों, क्या पार्ट वन देखा कि नहीं? अभिलाषा के साथ ऐसा ही है। जब एक बार शुरू होती है ना तो फिर रुकती नहीं है, क्योंकि जब फीलिंग शुरू होती हैं, भावनाएं जब जागृत होती हैं, तो वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, बाढ़ आ जाती है। बाढ़, हाँ बाढ़। तो फिर वो थामना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक शुरू करती हूँ मैं, तो उसकी सीरीज बन जाती है। तो पार्ट टू है ये। पार्ट वन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी लिंक, जरूर देखना। तो पहले पार्ट में मैंने बताया है कि आपको कैसे लाइफ में मुस्कुराना है, कैसे जिंदगी में पॉजिटिविटी अपने अंदर जगानी है, कैसे लानी है। और पॉजिटिविटी कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी को नहीं दे सकता संसार में। सब कुछ हो कर भी जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही रहें। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही रहें। किसी लड़की का मायका अच्छा नहीं है तो किसी का ससुराल, किसी की ससुराल में सास ससुर अच्छी नहीं है तो किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी के पति अच्छे हैं पर बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब बच्चा तो बहुत अच्छा था तो बहू अच्छी नहीं है। कोई ना कोई मसले जिंदगी में होंगे ही। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। एक सिंगल पर्सन पूरी तरह से परफेक्ट हो, बिल्कुल नहीं। और पूरी तरीके से खुश हो, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में आ गई, वो फर्स्ट वीडियो बोलते बोलते, अपनी जिंदगी के कोई भी फैसले करना, कोई भी अच्छा या बुरा, यार हम कौन होते हैं कराने वाले? हमारे बड़े कैसे कहते हैं, अरे जौन भगवान की मर्जी हुई वही हुई, जौन भगवान ने लिखो हुई वही हुई, ऐसे कह देते हैं ना। हम लोगों की जिंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा हुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जौन भगवान की मर्जी, जौन किस्मत में लिखा बदा हुई, अब भगवान जी करी हैं जो कुछ करी हैं। तो और फिर अगर कुछ उनसे गलती हुई तो अब हम कहाँ करें, वैसे जैसे भगवान बुद्धि दे देते हैं वैसे होत है, वैसे कीन जात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा लगे कि जो आप कर रहे हैं, तो कम से कम अपने दिल और दिमाग की बात सुनना, जो आपका दिल कहे वो करना। कल को आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी भी सही गलत फैसले में दूसरे का नाप न ले सकें कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, या किसी के कहने से कभी कोई डिसीज़न नहीं लेना। एक बहुत ही सच, बड़ा सच और बहुत ही मतलब सच्ची बात। और एक 2 साल पहले की बात है, शुभी हमारी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही थी और नवंबर का समय था, यानी दीपावली का समय था। हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए, मेरे हस्बैंड अकेले बेटे, सिंगल सन। और मेरे बहुत बड़ा एक झटका था, बहुत बड़ा सदमा था, मतलब अचानक से हुआ ना। मैं अक्टूबर में दशहरे में गई थी अपने मायके और ससुराल। जब भी हम यूपी में जाते हैं, हम 4 दिन एक घर, 2 घर, 2 दिन एक घर, लेकिन गए दोनों घरों से मिलके आ गए, क्योंकि 365 दिन देखो मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी तो कोई छुट्टी होती नहीं, ना संडे मिलता ना सैटरडे। अगर मैं वहाँ गई तो 4 दिन मायके रही तो वो 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, इतना दूर है हमारा यूपी का। और 2 दिन तो पता नहीं चलता, अभी आए ही थे, इतना लंबा सफ़र से जाओ थकान, और वहाँ गए मिला के चले आए। अक्टूबर की बात थी जब दशहरा था, मिलने गए थे। और नवंबर में हमको अचानक से खबर मिलती है कि उनकी तबीयत खराब है। तो जैसे तबीयत खराब है तो एकदम से इन्होंने बोला कि अच्छा ये दवा ले ले ऐसे, और ज़्यादा सीरियस है तो सीधे कानपुर लेकर के जाएं। और अचानक से पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई, मतलब सुबह ही फोन आया है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब सदमा था एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर 2 बुज़ुर्ग थीं, मेरी सास और दादी सास, और ससुर जी एक्सपायर हो गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। अब एक ही रास्ता था कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पर दादी और अम्मा आ जाएं। तो हमारी जो दादी सास थी काफ़ी बुज़ुर्ग थी, 90 से ऊपर थी, बल्कि उनका हम लोग सोचते थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि भाई 90 के बाद होता है ना कि अब अवस्था हो गई है, बीमार रहती हैं, ऐसी कभी खबर आ सकती है, पर उनका तो कभी नहीं सोचा था। तो हमारे परिवार की एक बहन जी हैं मैडम, उन्होंने कहा कि अभी 2 बच्ची हैं, अकेले रहती हैं। हमारे बुंदेलखंड तर्रा में ऐसी भाषा, बांदा में भी ऐसी बोली जाती है। मेरे को बोलनी नहीं आती क्योंकि हमने पूरा बचपन अपनी दादी से भी ऐसे बोला जैसे आपसे बोलती हूँ, लेकिन मैं जो सुनती हूँ वो लाइनें मेरे दिमाग में चिपक जाती हैं, तो मैं वही लाइनें रिपीट कर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे 4 औरतें आईं, जैसे बैठक होती है भाई, कोई किसी की डेथ होती है, लोग मिलने आते हैं ना, तो सबका यही कहना कि बताओ बेचारी 2 बच्ची हैं,
अकेले रहती हैं इतने बड़े घर में, नीचे दुकान है ऊपर मकान है। तो ये सब होने के पहले ही हमने उनको बोला था अपनी सास को कि अम्मा आप और दादी हमारे साथ चलिए, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं सब साथ रहेंगे, क्योंकि अब 6-7 साल तो बच्चे हैं नौकरी के, और अब ये टाइम ऐसा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो नौकरी छोड़ के भी नहीं आ सकते। मेरे ससुर जी का कोई बिजनेस ही नहीं था, मतलब कोई बिजनेस ही नहीं था, कोई दुकान होती तो बच्चे नौकरी छोड़ करके दुकान संभालने लग जाते। उनकी एक नीचे जैसे ऊपर मकान, नीचे दुकान में जो दुकान के नाम पर जहाँ वो बैठते थे वहाँ ऐसी चीज़ें थी जैसे टॉफ़ी बिस्किट, और छोटे बच्चे आकर के नहीं बाबा जी ये दे दीजिए वो दे दीजिए इस तरीके का मसाले के पैकेट हैं, और मसाले पिसे हुए मसालों के पैकेट ये सब, और ऐसे घर की जो छोटी मोटी पैकेट बच्चे वो क्रैक्स कुरकुरे बिस्किट नमकीन ये सब चीज़ें, मतलब कहने का कि उससे पूरी एक बड़ा परिवार की खर्चे नहीं हो सकते थे। उन्हीं के नहीं हो सके थे तो उनका बेटा था जॉब में, तो जब ज़रूरत हुई तो लोन ले लिया, जब ज़रूरत है तो दे दिया, तो उनका तो काम हुआ। लेकिन अब यहाँ कैसे बच्चों को छोड़ के जाते, सोचो आप बात को समझो। तो जिन्होंने ये सलाह दी कि यहीं आके रहें अपन, हाँ तो वो वाली भाषा में सुनो, जो दीदी जी थी उन्होंने ये बोला कि अपन यहीं आके रहें, घर द्वार देखें अपन, इनकी सेवा करें, ख्याल रखें, दो चार बुढ़ियाँ अकेले रहती हैं। मैंने सुना, मैंने कहा कि जब वो दो अकेली हैं तो हमारे साथ रहें, क्योंकि वहाँ पर मेरे मतलब गुप्ता जी की जॉब भी है, सरकारी नौकरी है, कम ही सही पर अपना परिवार तो चला रहे हैं। जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे मेरा सेटअप है, हम इसी घर में रहते थे तब, हाँ ये 2 साल पहले की बात है, और मैं भी अपना काम करती हूँ यूट्यूब में, तो मेरा भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, वहाँ पे मैं भी अपना करती हूँ सारा दिन। तो दो लोग जैसे हम 4 लोग हैं वैसे हम 6 लोग रह लेंगे, आराम से रहेंगे, हमारे साथ रहें। इस लाइन को सुनने वाला कोई नहीं था। प्रेशराइज क्या था कि लड़का बिटिया यहाँ आके रहें, यहाँ स्कूल हैं, एक से एक स्कूल हैं, यहाँ रहें लड़का बिटिया अपन पढ़ें, और तैर रहा है यहाँ, मतलब मैं रहूँ यहाँ सेवा करूँ, बहू का क्या फर्ज होता है, सेवा करे दूठा रोटी दे ओका कर रखा है, और लड़का अपन वहाँ नौकरी करत रहे। मतलब जब हमने ये कहा कि जॉब नहीं छोड़ सकते, तब ये जवाब मिला कि नौकरी छोड़ने के लिए किसने कहा, नौकरी वो अपना करता रहे लड़का वहाँ पर, तुम रहो लड़का बिटियन के साथ यहाँ पर, घर द्वार देखो, सास दाई की सेवा करो। मैंने कहा अरे मतलब एक ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनके पापा वहाँ नौकरी करें रेलवे की, और बच्चे मम्मी के साथ यहाँ रहें, और किस लिए रहें, ये घर द्वार देखने के लिए या फिर सेवा करने के लिए? तो सेवा करने को तो मैं कह रही हूँ, तो मेरे साथ चले तो क्या दिक्कत है। ये बात नहीं सुनी उन्होंने, इग्नोर, जस्ट इग्नोर, क्योंकि मेरे मुँह से ये सुनना था उन महिला को कि मैं सेवा नहीं करूँगी। 4 लोगों के बीच में ये कह दूँ कि मुझे ध्यान नहीं रखना, मैं क्यों करूँ, ये सुनना चाह रही थी वो, इसलिए मुझे बार बार वो पुश कर रही थी। पर मेरी एक ही लाइन थी, क्योंकि मेरे दिल से वही लाइन थी कि आप मेरे साथ रहो। मैंने उन औरतों के सामने बोला कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जहाँ पे मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, पका रही हूँ, वहाँ पर मैं 6 लोगों के लिए करूँगी, पर मेरे साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आती हूँ तो कितनी लाइफ बर्बाद होती है, एक तो बच्चों की स्टडी, और ठीक है बहुत अच्छा भुसावल नहीं है तो वो तो गांव ही है ना तर्रा, और अगर दूसरी बात ये भी देखी जाए कि उनको बाहर पढ़ने में तो भाई पैसे तो चाहिए, और नौकरी वाला इंसान जो सुबह जाता है और आता है, वो मैंने देखा है ना सुबह से जो जाता है और रात में आता है, जब मैं करके तो पसीने निकाल देती हूँ सुबह से 8 बजे से खाना बनाना, तो वो इंसान कैसे मैनेज करेगा, तो ज़बरदस्ती की तकलीफ़ है ना ये। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर, ये दादी नहीं आने को कह रही थी ना, दादी की तो खैर अवस्था थी इस वजह से, और दादी 90 ईयर्स तक दादी के पूरे हाथ पैर बराबर चलते थे, कपड़े धोना हो, झाड़ू करना हो, घर की साफ सफाई करना हो, सामान इधर से उधर रखना हो, दादी एकदम फिट थी। दादी ने सब दिन काम किया, लास्ट के 2 साल वो बेड में रही होंगी, जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए उसके बाद तब अवस्था ही हो गई थी, 90+ थी, नहीं तो उनके हाथ पैर चलते थे। पर उनका वही था बुजुर्ग का होने के नाते कि हम अपने ही दरवाजे मतलब जाएं, अब अंतिम समय में अपने ही घर रहना चाहते हैं, कुछ हो जाए तो हमारे यहाँ कम से कम, पुराने लोग यही सोचते हैं ना कि 4 कंधे वाले तो लोग रहेंगे, अपने लोग रहेंगे, वहाँ तो उनको पता है ना कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसा हुआ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, उस वक्त जो मैंने अच्छी बहू का खिताब नहीं लिया, सर्टिफिकेट नहीं मिला कि देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि मतलब चली आई यहाँ पर लड़का बेटिया ले करके, वो घर द्वार देखें संभालें, अच्छी बहू नीक बहू, वो नहीं बनी ना अभिलाषा। उसका फ़ायदा देखो, बच्चों से हस्बैंड की जॉब भी मेंटेन रही, अब पूरा ज़िंदगी जिन्होंने मर मर के नौकरी करी है, तब शुरुआत में छोड़ने को वो कहते थे तो कोई नहीं था कहने वाला कि ठीक है भैया तुम नौकरी छोड़ दो आओ घर में रहो, जब कष्ट था उन्हें
गुप्ता जी की कही हुई लाइन है कि मुझसे अच्छा तो पुताइया जो 10 से 5 नौकरी करता है उसके बाद चला जाता है। सोचो तब भी वो छोड़ नहीं सके नौकरी, क्योंकि भाई कैसे छोड़ने, कोई तो साधन चाहिए ना परिवार चलाने के लिए। तो वो उनकी जॉब भी होती रही, उन्होंने घर में ही उनकी हेल्प के लिए लगा दिया, एक दो लड़कियां थी वो आके अपना उनका घर का सारा कर जाती थी, जो भी उन लोग को काम करना होता था। एक लड़का था जो सारा सामान ला ला के देता था उनको बाजार का, और बाकी दूध वाले ये सब तो आते ही आते हैं, हर 10 दिन में 15 दिन में उनके हाथ में पैसे पहुंच जाते थे बकायदे, रोज़ सुबह शाम फ़ोन करके पूछ लेते थे। ऐसे करके 1.5 साल बीते, और इस 1.5 साल के बाद जब दादी ख़त्म हो गई तब फिर हमने वही कहा, और देखो आज हमारी सास हमारे पास है। ये मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जब आपसे जुड़ी हुई बहुत सी जिंदगी है तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता है, अच्छे का सर्टिफिकेट लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिंदगियाँ बर्बाद होने लगती हैं। इससे अच्छा है कि आज देखो यहाँ पर हैं, जो सुबह बना शाम बना दोपहर बना, जो हम खा रहे हैं हमारे बच्चे खा रहे हैं, और पति के लिए रोज़ बनाना ही करना है तो बनाने करने में क्या दिक्कत है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी मोड़ आ सकते हैं, कोई भी ऐसे समय आ सकता है, डिसीज़न लेना होता है ना तो भावनाओं में आके नहीं लिया जाता हर डिसीज़न, कुछ डिसीज़न प्रैक्टिकली भी सोचे जाते हैं। हमसे जुड़ी हुई जिंदगियां हमारे बच्चे हैं, हम उनका फ्यूचर भी देखना, हम अच्छी बहू का सर्टिफिकेट लेके क्या कर लेंगे बताओ, अच्छी पत्नी भी तो बनना है, अच्छी माँ भी तो बनना है, बच्चों का भी तो देखना है, उनको कौन देखेगा, कोई नहीं देखने वाला। वो जो बहन जी भाषण दे रही थी उनके बारे में पता है, उनकी खुद की 3 देवरानी जेठानी हैं, यानी 3 भाई हैं। तब तो वो कहते हैं कि एक टाइम का खाना तुम अपने सास ससुर को, उन्होंने ऐसा किया कि एक टाइम का वो दें तो एक टाइम का ये दें, 1 हफ्ता उनके घर खाना तो 1 हफ्ता उनके घर खाना। जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं ना लोग घरों में आ करके, दूसरों के घरों में, उनके घरों में जाग के देखो 8-8 दिन के बाद खाना ख़त्म, क्योंकि वो तो 3 लोग हैं तो ये सब भी कर सकते हैं, धक्का मार मार के भगा सकते हैं। हम तो सिंगल हैं तो हमें तो करना ही है, पर उन्होंने कितना बड़ा ज्ञान दिया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आओ, देखो घर में रहो, तुम्हारा घर है, बहू है हो और लड़का बेटियाँ यहीं रहें, अपन घर है, द्वार है, सेवा करें। और उनके खुद के 8-8 दिन भी बाहर ही पड़ गए, 3 लोग थे। तो वही चीज़ होती है जो ज्ञान की गंगा जो लोग मुफ्त में आके बहाते हैं ना, उनकी कभी नहीं सुननी चाहिए। सुनो भी, ज्ञान तो सुनते ही हैं, लेकिन जो आपका दिल कहे, जो आपको सही लगे, जो आपकी आत्मा को सही लगे, जो आपके अंदर भगवान है वो आपको जो बुद्धि दे वैसा करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको अच्छी बहू का सर्टिफिकेट भले ही ना मिले, पर आप अपने दिल से रिग्रेट फील नहीं करते हो कि मतलब हमने गलत कर दिया किसी के साथ, हमने कुछ गलत ही नहीं किया, जितना हम कर सके थे दूर रह के वो हमने पूरा किया, उनको टाइम से पैसे मिलते गए, उनको व्यवस्था हो गई, उनकी सुविधाएं हो गई, और उसके बाद जब हमने उनसे कहा और फिर भगवान ने उनकी, उनसे वही मनाते रहे भगवान से कि उनकी बुद्धि बदल दें तो हमारे पास आ जाए, तो सारी समस्याओं का हल समाप्त। अब देखो गुप्ता जी कितने फ्री होकर ड्यूटी गए और अपना आ जाएंगे, वरना पता है सुबह फ़ोन कर लें तो फिर दोपहर में भी याद पूछ करना पड़ता था उनको, फिर रात में आए तो उनसे पूछो कि आपने फ़ोन किया था कि नहीं, बात की थी कि नहीं, क्योंकि भाई जब आपने बात नहीं की हो बाई चांस तब कुछ परेशानी आ गई हो तो क्या होगा। लो भैया लड़के को तो कोई फिक्र ही नहीं है, है ना, तो ये भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो ये जो मैंने बताई ना ये सच्ची घटना है, मैंने उस समय वो कहा था कि जो मुझे सही लगा था कि मेरे साथ आके रहे, और देखो आज वो यहाँ पर है, एक गिलास उठा के यहाँ से टेबल से यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है उनको, ये जो टेबल है जहाँ मैं बैठी हूँ डाइनिंग टेबल से ले करके वॉश बेसिन तक रखने की ज़रूरत नहीं है। आज कितने दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन से ऊपर हो गए, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये सब तो मेरी लाइफ ही थी ना, ये सब तो मेरा काम ही था, क्या होगा कि एक आलू काटने से क्या होगा, वो तो मैं खुद ही करती रहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत है, पर मेरे सब पास में है तो हम जो कर सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। और हस्बैंड को मैं देख रही हूँ कितने रिलैक्स हैं कि पूरी फैमिली है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी आपकी निजी ज़िंदगी में जो फैसले लेने होते हैं कभी भी दूसरों के कहने पर नहीं लेना चाहिए, और जिन्होंने भी दूसरों के कहने पर लिया है ना वो पछताते हैं बाद में। तो इसलिए हमेशा जो आपको सही लगे, जो है ना, वही करना हमेशा, तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, एक संतुष्टि है, और काम में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मैं कर ही रही हूँ इतने सालों से, तो थोड़ा और सही है ना, तो कोई फ़र्क भी नहीं है। तो बस यही मेरा मैसेज है, चलो फिर अपने अपनी ज़िंदगी में जो भी दुर्घटनाएं हुई हों
कोई ऐसी परेशानी हो मुझे लिखना, मैं पढ़ूंगी सुनूंगी, तो कभी मैं वीडियो के ऑडियो वॉइस और मैं बोलूंगी आपकी प्रॉब्लम को भी कि आपको क्या करना चाहिए जो मैंने किया। हाँ ये भी मुझे बताओ, जो उस वक्त मैंने अच्छी बहू का सर्टिफिकेट नहीं लिया और वहाँ की भाषा में कि आके घर द्वार देखें हमने नहीं देखा आके हम रहें मैं नहीं रही, तो ये मैंने सही किया या गलत किया मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कल फिर मिलूँगी मैं, लेकिन कल चूल्हा चौके के साथ मिलूँगी, इतनी फुर्सत अब नहीं, शुभम उठ गया है तो मैं जा रही हूँ उससे पूछने किसे क्या करना है क्या लेना है। मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।